बहुत जरूरी हुंदा है एक लोकतंत्र दे विच पहली कड़ी तो लैके सिरे तक लोकां नूं जिहड़ी नुमाइंदगी मिले। सो हुण दूजी चोण शुरू हो गई फिर तीजी हो जाणी। पंजाब तां हुण चोणां च रहेगा काफी चिर नगर पालिका नगर निगम, लेकिन अज जिहड़ी असीं गल करनी है वो चार विधानसभा हल्के ते जिहड़ी जिमनी चोण होनी है उहदी गल करनी है। आम आदमी पार्टी नंबर लै गई, उन्होंने अपने उम्मीदवार का ऐलान करता गुरदीप सिंह रंधावा नूं डेरा बाबा नानक तो, प्रदीप सिंह डिप्टी ढिल्लों गिदड़वाह तो, और इशाक चब्बेवाल चब्बेवाल तो, रिंदर सिंह धालीवाल बरनाला तो, इन्हां नूं खड़े करता। संदीप पाठक ने ऐलान करता जिहड़ा आम आदमी पार्टी का कौमी जनरल सकत्तर है। यह जिहड़ी जानकारी है, लेकिन यह जानकारी के नाल अज का साडा टॉपिक तो यह है कि अज दशा की है साढ़े इस वे जो जिमनी चोणां पंजाब विच चल रही ने सियासी दशा की असीं गल अज करनी है। वैसे तो जे गल इत्थे शुरू कर लईए आपां कि आम आदमी पार्टी के जिहड़े चार उम्मीदवार ने उहनां च हरदीप सिंह ढिल्लों है, हरदीप सिंह डिप्टी ढिल्लों है जिहड़ा 56 साल की जी उम्र है और 1995 च यह एक बार जितया भी होया। यह जिहड़ा है श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान दे काफी नेड़ला बंदा है। 2 महीने पहला इसने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। दूजे पासे राजा यह भी कह दिए ना, राजा जिहड़ा बड़िंग है अमरिंदर सिंह बड़िंग, उन्होंने सीट खाली की थी। उत्थे वो ये समझते ने कि मैं अकालिया तो यह सीट ली है तो हूँ मैं इन बरकरार रखना है। लग रहा है कि उन्होंने धर्म पत्नी अमृता बड़िंग जी है तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तीजी भी कहानी काफी जी है इंपॉर्टेंट है। मनप्रीत बादल, मनप्रीत सिंह बादल कह रहे हैं कि मैं काले पानी चला गया से हूँ मैं दोबारा आया, जी पूरी तैयारी च है जिम्मे एक पोलिटिकल बंद करते होंगे ने माफिया मांगते ने वो समझते ने बस मैं घर वापसी हूँ हुई है मेरी, तो वह तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि डिकलेयर नहीं किया तैयारी उधर भी है। तो यह जी जो दशा की गल करिए बड़ी अजीब जी दशा बनी हुई है श्रोमणी अकाली दल की। सुखबीर सिंह बादल उन्होंने को आप खुद तैयारी सी पर हूँ जिस तरह के हालात ने की करे एक अद्धे दिन शायद कल कोर कमेटी की मीटिंग फैसला करना है। सो गिदड़वाह मैं बहुत ब्रीफ थोड़े गल कर रहा, बाकी सारे पैनलिस्ट थोड़े न सारी अपनी गलबात करेंगे। दूजी गल जो आप करिए बरनाले की, रविंदर सिंह धालीवाल जिहड़ा है ये टिकट दिती है आम आदमी पार्टी ने, 35 साल का बीटेक है, जमाती है, कहते ने रिश्तेदार है अमीत खेर का, मिली भी मैं तो पहली बार नाम सुने। वैसे सच्ची गल पूछ गया कि हरिंदर सिंह धालीवाल का नाम जो टिकट अनाउंस हुई है उ सुनया, इसे करके शायद जिहड़ा जिला योजना बोर्ड का प्रधान है नाले जिहड़ा जिला प्रधान है बाट साहब ने जिहड़े वो कह रहे ने ना कि ये की हो गया इहदा परिवारवाद शुरू हो गया, असीं 7 साल हो गए काम करदे आ नूं इह टिकट तुसीं अपने नीथियर दे अपने बंदे नूं देती, इहदा मतलब नाल बगावती सुरां भी उत्थे नजर आउणियां शुरू हो गईआं। इह बरनाले दी स्थिति है। फिर आ जाओ इशान चब्बेवाल जिहड़ा 30 साल का डॉक्टर है, वधिया MD है न्यूरोलॉजी दे विच, लेकिन क्योंकि सांसद डॉक्टर राजकुमार का बेटा है और राजकुमार उत्थे दे MLA भी रहे ने सांसद ने, उन्होंने टिकट मिल गई। परिवारवाद होर की हुंदा है, इस तरह ही हुंदा है, तो परिवारवाद जरूरी है। जो मर्जी कहे जाए विरोधी तो कहते ने किसी महिला ने दिता तुसीं दे लो भाई, वो कहते महिला ने देना है तो परिवारवाद है, इस ते जित देखनी है कि हो सकती है सर्वे कराते पता लग जाता है। गुरदीप सिंह रंधावा जो पहला कांग्रसी से किसी टाइम बापू सरपंच से बाद पार्टी जी जो सरपंच ही कारण ही इन्होंने कांग्रेस छड़ी सी आम आदमी पार्टी च आए थे, हूँ उन्होंने टिकट मिली है। पिछली बार भी 31,000 वोटा ले गए थे, इस तरह की कहानी है। सो जिमनी चोणा जड़िया ने नोटिफिकेशन हो चुके 18 अक्टूबर ने, जी 25 अक्टूबर तक नामजदगियां होनी ने और जी जांच होना 28 अक्टूबर वापसी 30 अक्टूबर तक है पेपर की, 13 वोटा पैनिया ने मतदान तुम अपना मतदान करना है, फिर 23 नवंबर वोटा के नतीजे आने ने।
इस तरह की सिचुएशन है। मैं सिर्फ जानकारी साझी की थी है हालात की दे किमे है ते की दशा सियासी इहदे आपां गल करदे हां। खास तौर पर इस बार श्रोमणी अकाली दल की सियासी दशा से काफी चर्चा हो रही है ते यह भी सुन आया भी हो सकता है वह बाकी का कोर कमेटी कल पता लगूगा कि शायद वह चोन वाल ध्यान ही उन्हों का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर ज्यादा जो भी है साढ़े पैनलिस्ट थोड़ा डिस्कस करते हैं देखते हैं कि कहते हैं किड़े किड़े पैनलिस्ट ने मैं थोड़ा उन्होंने दुआरफ करावा। साढ़े ना चार पोलीटिकल पार्टी के नुमाइंदे ने एक निरपक्ष टिप्पणीकार है निरपक्ष टिप्पणीकार के तौर पर साढ़े शामिल ने महेश शर्मा जी सीनियर पत्रकार ने अंग्रेजी अखबार जो ट्रिब्यून है संबंधित ने नाल साढ़े शमशेर सिंह परकालवी साहब ने यह श्रोमणी अकाली दल तो साढ़े शामिल ने एडवोकेट बिक्रमजीत सिंह पासी साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं पंजाब की सत्ताधारी धर आम आदमी पार्टी की विरोध भारतीय कांग्रेस वालों साढ़े नाल इस प्रोग्राम शामिल ने चेतन मोहन जोशी भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। थोड़ा सब का बहुत बहुत स्वागत। सो यह सारी गलबात शुरू कर दें शमशेर सिंह प्रतापवी जी थोड़े तो इस करके कि श्रोमणी अकाली दल की बड़ी चर्चा है इस सियासी सीन के किवें देखते हो ओवरऑल सारी गलबात। देखो वालिया साहब सब तो पहला तो मैं सारे पैनलिस्ट साहबानों तुहानू तुहाडी समुची टीम नू समुचे दर्शकों नू बहुत बहुत अदब ते सत्कार सहित सारयां नू फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वालिया साहब जिहड़ा लोकतंत्र दा थम ने लोकतंत्र की बहाली लई लोकतंत्र कायम करन दे लई वोटां दा होना बहुत लाजमी है। लोग अपनी मनपसंद दा कैंडीडेट चुन के असैंबली पार्लीमेंट दे विच लोकल बॉडी दे विच भेजदे आ तां कि अपने हक्कां दी राखी सही महीनों के उन्हों की पैरवी करके लोगों जस्टिस लोगों के जेडे भले की गल हो सके लोगों के उत्थान की गल हो सके। लेकिन त्रासदी रही है कि पिछले लंबे समय तो जोड़ा इस सिस्टम के काफ़ी नगार आया जड़िया सत्ता धिर पार्टियां ने इस का जोड़ा हर हरबा वरत के इन इलैक्शन के उत्ते जोड़ा कब्जा करने की ताक के रिया ने। सो मैं अपनी गल नूं अगां तोरदिआं जिथों तक तुसीं अकाली दल श्रोमणी अकाली दल दी बारे पुछिआ उहदे बाद संबंध दे विच मैं तुहानूं दसदा कि हले तीक इस संबंधी कोई फैसला नहीं कीता गया। इन्हां सारीआं तमाम विरोधी पार्टियां वल्लों अकाली दल दे राहां दे विच बिछाए गए कंडिआं नूं चुगदिआं होइआं असीं साडे सारी जिहड़ी पार्टी दे लीडर साहिबान ने सीनियर लीडरशिप है उह कंडे चुगण दे विच लगी होई है। लेकिन फिर भी 22 तरीक नूं साडी कोर कमेटी की मीटिंग चंडीगढ़ विखे बुला ली गई है उहदे विच जिथे SGPC की प्रधानगी की चोण नूं लैके जां जिहड़ियां इह बाय इलैक्शन होण जा रही उस संबंधी जिहड़ा फैसला जिहड़ी लीडरशिप क्या करदी है इह ते आउण वाला समां ही दसेगा। उहदे वास्ते मैं अगेती कोई गल नहीं करूंगा पर ते इह जिहड़ा जिवें पहलां वी बाय इलैक्शन जलंधर दे विच होए है उहदे विच आपां सारिआं ने देखिआ कि किस ढंग दे नाल सत्ता धिर पार्टी ने उत्थे जिहड़ा लोकतंत्र का मजाक उड़ाया क्योंकि यह जिहड़ी पवित्रता हैगी वोटां दी पवित्रता वोट चोणां दी पवित्रता उहनू किस ढंग दे नाल इन्हां ने गह गच करके किस ढंग दे नाल कलंकित करके लोकां दीआं वोटां जिहड़ियां लुट्टियां ने। हुण जिहड़ियां चार इलैक्शन हुणे हले पंचायत इलैक्शन हो के लंघियां ने मैं कहिंदा इतिहास दे विच इह पहली वार होया कि इन्नियां जिहड़ियां जिहड़ियां रिट पटीशन जिहड़ियां मान्योग हाई कोर्ट दे विच पईआं ने और बहुत सारियां मान्योग हाई कोर्ट ने जिहड़ियां पटीशन दे आधार दे उत्ते जिहड़ियां बहुत सारियां इलैक्शन रद्द भी कीतियां ने। इह मैनूं लगदा है कि पंजाब दे विच जिहड़ा सत्ताधारी पार्टी का मुकम्मल तौर पर जनाजा निकल चुकिआ है। इह जिथे तुसीं भी अपनी इंट्रो दे विच गल कीती परिवारवाद दी इह जिहड़ा अज दा अजोका इनकलाब है अज पार्टी परिवारवाद की गल करके कोसदा सी पानी पी पी के कोसदा सी। मैं इन्हां नूं पुछना चाहुंदा पासी साहब बहुत सियाने मेरे मित्र ने बहुत चंगे इंसान ने पार्टी के बुलारे ने यह दसन के उन्हां नूं जिहड़े लोग पिछले 12-14 साल तो दरिया बिछाउंदे आ रहे सी जिहड़े तुसीं कहिंदे सी कि आम आदमी की पार्टी है हर आम आदमी इस पार्टी का जिहड़ा लीडर है ते अज उह तुसीं सिर्फ दरिया बिछाउण तों इलावा उन्हां नूं होर कोई काम देण दी जिहड़ी फराक दे विच नहीं है। तुसीं चब्बेवाल साहब जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट ने क्या तुहानूं सिर्फ उही दिखदा सी उहनां दा बेटे तुहानूं टिकट देण लई दिखदा सी जां बरनाले दे विच तुहानूं मीत हेर दा जिहड़ा रिश्तेदार मामे दा मुंडा सी तुहानूं जिहड़ा कैंडीडेट लभिया सी
जिहड़े 14 साल तो आम आदमी पार्टी दीआं दरियां बिछा रहे सी, तुहानूं उहनां दे विचों कोई कैंडीडेट सूटेबल नजर नहीं आया। सो मैं मैनूं लगदा है वालिया साहब कि इह जिहड़ा चोणां दे नां दे उत्ते खिलवाड़ हो रहा है, मैनूं नहीं लगदा कि पंजाबियों नूं इस इलैक्शन दे विच वी पिछलियां इलैक्शन दी तरह कोई इंसान मिलण दी सानूं आस है। चलो तो तुसी जिहड़ी गल कीती है, खैर ये जिहड़ा मैं तुहानूं इक गल शमशेर सिंह दी दसदा, मैं नहीं कुछ कहा, मैं तां जो बाट साहब ने कहा कि परिवारवाद आ गया, जे मैं निरपक्ष रहना मैं आपदे मूहों किवें कह सकदा कि निरपक्ष नहीं। इन्हां दे जिला योजना बोर्ड दे प्रधान ते दूजे जिहड़े इन्हां दा जिला प्रधान ने बरनाले दे, उन्हां ने कहा कि साडी पार्टी च परिवारवाद आ गया। और उन्हां ने हरदीप सिंह ढिल्लों उह वी देखो तुसीं हुणी 2 महीने पहला आए ने उत्थों वाले बंदे भी, फिर तुसी आप ही गल कीती है शांत दी, उहदा भी जिक्र कीता है, ते जिहड़ा उदों बाद धालीवाल दा तां गल ही कर रहे ने, हाले दलबीर गोल्डी दी मैं गल नहीं कीती जिहड़ा धूरी वाला बंदा जिहनूं इह कह के लै के आए सी कि तैनूं भई असीं जिहड़ा है जितावांगे भी ते नाल मंत्री भी बणावांगे, मान साहब तां इही कहिंदे सी। खैर जो तुसीं कहा उहदा जवाब पहलां लै लईए, एडवोकेट पासी साहब की कहोगे? दर्शकों भी देखो, मैं ना हमेशा ही परखालवी साहब ना शमशेर जी एक बहुत वधिया बुलारा मानदा, क्योंकि ये बिना मुद्दे तो भी मुद्दा बना सकते हैं, ये नॉन एग्जिस्टिंग फैक्ट नूं भी प्रोपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरे बड़े सत्कारयोग वड्डे भरा है, इन्होंने कहा जी कि कंडे रवायती पार्टियां दे साडी पार्टी अकाली दल चुग रही है, शायद इसे लई कंडे ज्यादा चुभन लग गए, तकड़ी छड के जलंधर बाही पोल च हाथी ते चढ़ गए सी जी, भी शायद उच्चे हो जाइए कंडिया तो बच जाइए, पर वो कंडे विरोधी पार्टियां दे दी है शमशेर जी, वो तुहाडे अपनी करतूत जिहड़े कार्ज रहे हैं, जो तुहाडे अपने काम कार रहे हैं, जो पंजाब नाल धोखा, पंथ नाल धोखा, पार्टी नाल धोखा तुहाडी लीडरशिप करती रही है, वो कंडे सीगे। दूजी हुण इन्होंने एक गल होर कही जी परिवारवाद की, इस गल तो कोई आपां इनकार नहीं कर सकते कि चब्बेवाल जी दे बेटे हैं डॉक्टर ईशान चब्बेवाल जी, पर एक चीज देखो कि असी जिहड़ी चोन कीती है, अगर डॉक्टर ईशान चब्बेवाल है वह 2017 तो अपने पिता जी दे नाल इलैक्शन दे कोर कमेटी मैंबर रहे हैं, MD है, डॉक्टर है, नौजवान नेता है, और उस इलाके नूं जिहड़ा है जी बहुत वधिया तरीके नाल अगे ले जा सकते हैं। दूसरा बड़ा शोर मचाया जी कि जी ये देखो जी मीत हेयर जी दे रिश्तेदार हैं, बाट साहब है साडे लई बहुत रिस्पैक्टेबल है, गुरदीप सिंह बाट जी है साडे परिवार दे मैंबर है, बहुत रिस्पैक्टेबल है, पार्टी ने भी उन्होंने जिहड़ी मेहनत नूं देखदे हुए जिला प्रधान भी बनाया ते जिला योजना बोर्ड दे चेयरमैन भी बनाया, वो जिला योजना बोर्ड दे चेयरमैन भी हैं, ते जिहड़े साडे हरिंदर धालीवाल जी हैं वह भी बहुत एजुकेटड हैं जी, BTech हैं, बरनाला दे जंपल हैं, उत्थे उन्हां दा पिंड है जी चिन्नीवाल, ते उत्थे फिर वह बाबा गंडा सिंह पब्लिक स्कूल दे विच बरनाले दे विच पढ़े हैं जी, लगातार साडी पार्टी दे नाल शुरू तो जुड़े हुए काम कर रहे हैं जी, वह कोई यह नहीं कि वह मीत हेयर जी के नजदीकी है ता नहीं, उन्हां दी अपनी एक वर्किंग रही है, पार्टी लई मेहनत रही है, पार्टी लई लगातार काम करते रहे हैं, एजुकेशन दे विच वह बहुत अच्छा रिजल्ट जिहड़ा उन्हां दा रहा है जी, एक पढ़े लिखे असी अगर डॉक्टर ईशान जी नूं MD नूं लैके आ रहे हैं तो दूजे पासे असी हरिंदर धालीवाल जी हैं जिहड़े BTech हैं, उन्होंने BTech की हुई है, स्वाइट तो की है जी, मेरे बनूड़ के नेड़े ही है स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट, उत्थे भी वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत वधिया वर्क करते रहे हैं। सो अगर बंदे दे विच काबिलियत असीं उन्होंने चुनिया। तीजे जिहड़ी ये गल कर रहे हैं डिंपी ढिल्लों जी की, तो डिंपी ढिल्लों जी तो भाई अकाली दल 10 दिन वेट करता रहा कि वापस आ जाओ असीं तुहानूं टिकट देवांगे, तुसीं ना जाओ इहदा मतलब उस इलाके दे विच भावें वह अकाली दल वल्लों 2017-2022 इलैक्शन हारे हैं पर उन्हां दा अपना एक आधार है, और आम आदमी पार्टी ने उन्हां दे उस आधार नूं भी देखिया, उन्हां दी वर्किंग नूं भी देखिया, ते उन्हां नूं असीं चुणिया। अच्छा तीसरी चीज अगर ये परिवारवाद की गल करते हैं, आ साडा तां 1-2 अपवाद है जी, यह भी किसी के परिवारिक मैंबर नूं टिकट मिल गई, इन्हां दा तां ट्रेंड है, इन्हां दा तां कस्टम है, इन्हां दी तां रिवायत है, साडे तां तुसीं सौआं चों 1 अद्धी एग्जाम्पल देखोगे, इन्हां दी तां 100 चों 99 निकल आणियां, 95 निकल आणियां, ये गल्लां करनगे, मतलब की है कि इत्थे बैठ के सिर्फ इन्होंने
ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪੋਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਵੀ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਕਿ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੋਟ ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਲੀਡ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਖਾਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਚ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਖਾਵ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹੇ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਕਾਬਿਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੀਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 4 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਮੀਤ ਗੈਰ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, MLA ਬਣੇ ਸੀ, ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਤੂ ਸੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜੋ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜੇਤੂ ਸੀ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਖੈਰ, ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਸਨ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ MP ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਘਬਰਾਹਟ ਚ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਡੇਟ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਡੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਰੋਜ਼ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸਫੁਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਏ, ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਬਰਸੰਮਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਜਾਏ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣ,
ताकि लोगों जिस मकसद लिए इन्हों चुन के भेजा गया वो पूरे उतर सकन ता ही पीसफुल जड़े है वह चुनाव हो गए। जेकर यह जो चोणा हो कि रोज लोग मरणगे अज कल हुशियारपुर च प्यो बाप बेटा मर गए ते गोली नाल क्योंकि वो कोई पंचायती इलेक्शन च रंजश सी फिर तरन तारण इन्हों के अपने ते बंदियां ते गोली चली होर भी इसे तरह बहुत सारे इन्हों के अपने भी कई बंदे जख्मी हुए लेकिन सरकार खड़ी कित्थे है यह तो जो जो परिवारवाद का या होर कोई एलीगेशन एलीगेशन लगते ही रहने हैं एक दूसरे से लेकिन जिहड़ी सरकार की ड्यूटी है वो सरकार कित्थे खड़ी है कित्थे पूरी उतरी है किदां कहणगे लोगों भी तुसीं सानू वोटां पाओ। सो इसलिए ये जिहड़े आण वाले इलैक्शन ने लोग मैनूं लगता है कि मौजूदा सरकार नूं मूंह नहीं लाणगे जो क्योंकि सरकार अपने अकीदे च कामयाब नहीं रही। सो इसलिए सरकार पहलों अपनी पीढ़ी थले झाड़ू मारे ते फिर दूसरे नूं गल दसे जेडे उन्होंने कैंडीडेट कर ले असी मुकाबला करने लिए तैयार हाँ लेकिन जेडी इन्हां दी अपनी ड्यूटी है उन्होंने भी तो पूरा करन वह कौन पूरा करू दिल्लियों आणगे अगे ही दिल्लियों इन्हां दे हर डिपार्टमेंट च नवे नवे सलाहकार लाते उन्होंने क्योंकि इस इन्हां दे अपने बंदे नलायक साबित होए। इहदा मतलब यही है कि पंजाब दे लोकां नूं पंजाब दे आईएएस अफसरां नूं पंजाब दे पीसीएस अफसरां नूं समझ नहीं है इन्होंने एडवाइजर भेजते उतों लोगों ये दसणगे की दसणगे। चलो ठीक है थोड़ा पक्ष आया चेतन बोल जोशी जी भारतीय जनता पार्टी कि सोच रही। पहलों तो जी मेरा ख्याल है कि जेडे भी नाम हिलाने गए ने उन्होंने शुभकामनावां और जिन्होंने जे नाम हिलाने ने वह भी बड़ी संजीदगी दे नाल इहदे उत्ते काम करते होणगे क्योंकि जितना तो एक बंदा ही है चारों तो जितने नहीं पार्टियां दे बंदे। लेकिन कुछ हद तक जो पिछे जी असीं देखते आ रहे हैं कि ट्रेंड की होंदा कि जिहड़ी सीट तो जिहड़ी पार्टी का बंदा जितदा और उहदी सीट जे खाली हुंदी लोक सभा वास्ते तो अमूमन उस पार्टी का ही नुमाइंदा उहनूं प्लस पॉइंट लैके चलदे ने और ये दो थावां दे उत्तों आम आदमी पार्टी जित्ती है मतलब एक थां ते चाबेवाल साहब कांग्रेस छड़ के ही गए सीगे ते दो थावां दे उत्ते कांग्रेस जित्ती है तो मैं लगता पाया वा कि इन पार्टियां दे जिहड़े मतलब नुमाइंदे होणगे वह एक घरों ही बड़ा स्ट्रोंग और एक वड्डा वोट बैंक नाल लैके तुरनगे और उस तो बाद रही गल सरकार दीआं जिहड़ीआं नीतियां ने देखो जिहड़ी सत्ता दे विच सरकार रहिंदी आ उहदी तां आलोचना होनी होनी है चंग मतलब होनी होनी है आलोचना इहदे च कोई शक वाली गल नहीं पर जे उह सरकार वाकई जरूरत नालों ज्यादा फेलियर हुंदी नजर आवे ते उहदी आलोचना थोड़ी ज्यादा हुंदी है और उहदा उहनूं खमियाजा भी भुगतना पैंदा। हुण तीसरी गल आ कि जिस तरह हुणे भारती जी ने इन्नी गल कही है मेरे वड्डे वीर ने सत्कारयोग ने कि दिल्ली तों लिया के या इधरों उधरों एडवाइजर लैके आउंदी आम आदमी पार्टी हो सकता उहदी पॉलिसी का कोई हिस्सा होवे क्योंकि इस तों पहलां वी पंजाब सरकार दे अफसर जिहड़े हैगे ने भावें आईएएस ने भावें पीसीएस ने उहनां कड़े चाने चाड़ लए उह कड़े पहलों दुध दे धोते हुंदे सी कि उहनां ने कदी रिश्वत नहीं लई वह कड़े दुध के धोते पटवारी होंगे ही जे बिना पैसों तो फरदा देंगे ही वह कड़े दुध के धोते होंगे ही जे इंस्पैक्टर फूड कारपोरेशन के बख बख एजेंसियों के ने जो बिना पैसे बोरी चुकाते होंगे सके गंद तो पाया से उन्होंने तो जे आम आदमी पार्टी एक पंजाब को छड़ के पंजाब के लोगों के यकीन ना करके क्योंकि ढाई पौने तीन साल हो गए आम आदमी पार्टी को सत्ता च आया तकरीबन ढाई साल हो गए हैं तो जे उन्होंने वाकई नजर आया भी ये भ्रष्टाचार का नशे का दूजा तीजा कोड नहीं निकल सकता ये वास्ते एक नैक्सस तोड़ना पैना विरोधी होने के बावजूद भी मैं और विरोधी दल के होने के बावजूद चाहे साड़ी इन्हों आइडियोलॉजी नहीं रलती तो भारती साहब जे इन्होंने उत्थों लैके आते बंदे जे वह कामयाब हो गए तो परमात्मा करे साडे पंजाब का सुधार हो जूगा तो बाकी पहलों कड़े चन चाड़े साढ़े पहले अफसर ने पहले साडा निजाम जिहड़ा नैक्सस है एडमिनिस्ट्रेशन वह की करती पई है सत्यानाश करता इन्होंने पंजाब का फड़ के सारा नशा इन्हों को ही बंद होया चलो जी आम आदमी पार्टी ने अपने बंदे लाए उन्होंने को भी नहीं होया फड़ती तो पुरानियां सरकारां भी सीगियां इन्होंने कड़े बहुते चाड़ ले लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जिहड़े हिसाब से खराब हो चुका है पंजाब का जे इन्हां नूं लगा कि पंजाब के अफसर इन्हां नहीं कोऑपरेट करदे या फिर इन्हां दीआं हड्डां दे विच भ्रष्टाचार ते नशा वड़िया जिद्दां ऑनरेबल सीएम भगवंत सिंह जी मान ने ते डीजीपी साहब ने कहा सी भी पंजाब पुलिस चिट्टा वेचदी वी ते खांदी वी है इदां ही उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ करता भी अफसर जिद्दां वह चुटकी वाली इन्हां दी एमएलए सीगी जिहड़ी कहिंदी सी मेरा नां लैके लोग
अफसर रिश्वत मंगन की कोशिश करते हैं, दूसरे पन्ने अकाली दल के साथ वीर ने कहता ही कि तेरे भावों ने 56-57 किले पैली ली है, करड़ दिला के कितों न ली है। सो यह गल्लां जिहड़ियां चलदियां पईयां ने, लेकिन जे दिल्लियों बंदे एडवाइजर लिया के पंजाब के लोगों का भला होंदा, जे पंजाब दे विच भ्रष्टाचार खत्म होंदा दूजा तीजा, तो सानू भारती साहब इन्हां दा स्वागत करना चाहिए। जिथे इन्ने यूटर्न ले ने आम आदमी पार्टी ने, एक यूटर्न होर सही। बाकी रही गल इलैक्शन की, यह इलैक्शन के दो चीजा देखने आनियां, क्योंकि अद्धा समा अजे पंजाब सरकार दे विच पिया वा आम आदमी पार्टी का, तो ज्यादातर लोग डरते वोट भी नहीं पाते कई बार कि छोड़ो यार एवं सरकार हैगी 2.5 साल काम घूम लेने होंगे। यो जी इलैक्शन 1.5 साल पहला हुई होंगी तो आम आदमी पार्टी की दौड़ लगनी ही पिंडा चो, दौड़ लगनी ही पिंडा इन्होंने कभी सोचा भी नहीं। सो मौजूदा तंत्र यंत्र समय के काफ़ी अजे बदलाव होने वाला, क्योंकि समा बहुत पिया वा, जिस करके सत्ता पक्ष हैगी आम आदमी पार्टी, वड्डी विरोधी पक्ष हैगी कांग्रेस पार्टी। तो मेरा ख्याल है कि इन्हों दी दो सीटा बचिया ने, इन दो सीटा के उत्ते जो गल करिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार लोग सभा की इलैक्शन लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी 2022 के जो लड़ी है, सानू सिर्फ 6% वोटा पईआं सी, साडीआं जमानतां जब्त होईआं सी कई इलाकियां दे विच, लेकिन 2024 की इलैक्शन च असीं 6% तो सीधा 19.3% ते आए हैं, और उहदे विच वोटां दा जिहड़ा इजाफा होया वा, देखदे हां कि इन्हां विधानसभा की 22 पोल इलैक्शन जिहनूं जिमनी चोण कहिंदे आ, इहदे विच किन्नी कु जनता साडे नाल जुड़दी, क्योंकि 22 पोल इलैक्शन जिमनी चोण साडी पहली है। अगे पिछे असीं अपनी सत्कारयोग भाईवाल पार्टी श्रोमणी अकाली दल दे नाल रल के इलैक्शन लड़दे सी, 22 च कल्यां लड़ी, 24 च कल्यां लड़ी, जिमनी चोण जिहड़ी लोक सभा की इलैक्शन तों बाद इह साडी पहली आ। मैं ये बारे ज्यादा टिप्पणियां नहीं करांगा, चंगे कैंडीडेट सारी पार्टियां लाउणगे साडे। लेकिन तुसीं बड़े लॉ एंड ऑर्डर ते करती, असल वैसे टॉपिक साडा इह है कि इह अज दी सियासी दशा की है, जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी दे नुमाइंदे कह रहे ने, इन्हां दे बंदे काफी एक्टिव ने, मनप्रीत बादल तां काफी दिन तों एक्टिव है गिदड़वाहा दे विच, ते लगभग लोकां नूं जे अकाली दल नहीं लड़दे तां लोकां ने होर एंगल तों लैणा इस नूं कि इह तां वी पहले पता सी, डिप्टी ढिल्लों ही कह रहा सी, और रवि कालू जिहड़ा है डेरा बाबा नानक तो वह भी एक्टिव है, जिहड़े बंदे इधरों आए ने, ये सारियां पार्टियां नूं लड़ना चाहिए, ये तो इहदे च कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरीके नाल सत्ताधारी धिर ते इल्जाम लगदे ने, ये अपने आप च वैसे मैं समझदा है, ये कहा जाता है कि सत्ताधारी धिर नूं जो चेतन मोहन जोशी कह रहे ने, जदों 2-2.5 साल रहिंदे हुण लोग ये सोच रहिंदे हुंदे ने कि हले इन्ना कोल टाइम है काम लेने ने, जिवें बहुत सारे ने जदों पार्टी बदली सी ये कहा सी कि जी मैं तो इस करके पार्टी बदलिया, जिवें डॉक्टर सुखी ने कहा सी कि मैं तो अपने इलाके के काम लेने ने। खैर साडा मसला हो रहा अज उत्थे गल करिए, महेश शर्मा जी किवें देखदे हो, तुहानूं की लगता है एक निरपक्ष? सत श्री अकाल सारिआं नूं। वालिया साहब बहुत वधिया माहौल दे विच अज डिबेट हुई है, काफ़ी देर बाद मतलब इन्नी संजीदगी दे नाल सारिआं ने गल की, और आई मस्ट एपरीशिएट के जोशी साहब ने तो बिल्कुल ही उसनों पोलीटिकल रंगत नहीं दी हैगी, मतलब ही हैज टेकन इट वेरी लिबरली, वी मस्ट एपरीशिएट, और श्रोतियां नूं भी चंगा लग्या होगा, ये गल होनी चाहिए। खास करके बाई इलैक्शन दे विच ट्रेंड सारिआं नूं पहलां पता ने, इहदे च कोई दो राय नहीं, पहलां भी जिहड़ियां ने जदों बाई इलैक्शन हुंदी है उहदे च किते ना किते जिहड़ी पार्टी काबज हुंदी है उह पासकू हो जाती है, उहदे च थोड़ा बहुत उसनूं मतलब बेनीफिट हर हाल च मिलदा, वोटर दा माइंडसैट उही रहिंदा, चाहे पार्टी आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे अकाली दल रहे, कोई पार्टी रही है, चलो बीजेपी वाले शेयर करते रहे, पर किते ना किते जिहड़ी इस वेले आपां मतलब भी इस इलैक्शन की गल करिए, हाले स्थिति है जिहड़ी उह अनप्रडिक्टेबल इस करके है क्योंकि हाले सारिआं ने अपने पते नहीं खोले, बीजेपी का सिर्फ हाले मनप्रीत बादल उन्हां दा लगदा, बाकियां ने हाले मतलब जिहड़ा अपने पते खोलने ने, नंबर वन। नंबर टू जिहड़ी इस दी जिहड़ियां चार ही सीटां ने उह थोड़ा थोड़ा मतलब भी डिस्टेंस दे उत्ते ने, जिहड़ी उत्थे दी डेमोग्राफी है उसने डिसाइड करना है, जिहड़े उत्थे दे लोकल इशू ने उन्हां नूं भी देखिया जाणा है, और ताजियां पार्टियां दे विच कई बार ताजियां इलैक्शनां दे विच कई बार असीं इलैक्शन तों पहलां ते इलैक्शन तों बाद दा जिहड़ा साडा लीडर दा माइंडसैट हुंदा है उह चेंज होण दा भी असर पैणा है, जिवें हुण जिहड़े बंदे इहदे च पंचायती इलैक्शन च इगनोर होए होणगे,
ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਪਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। SGPC ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪ੍ਰੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਇਨ SGPC ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁਗਣੇ ਹੀ ਨਾ ਪੈਣ, ਮਤਲਬ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾਖਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦਾਖਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਦੱਸੇ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੇਬਲ ਪਲਟਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਈਵਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਆਪੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਬਾਦ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਨੇਬਿਲਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਿ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ OST ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਛਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪਾਏ। ਖੈਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਰਖਾਲਵੀ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਨੇ ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੇਠ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਬਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ।
हूँ गल करते हैं जो दूजा क्वेश्चन उठा जी इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की गल की है उस दे उत्ते मैं दसना चाहूंगा कि एनसीआरबी का डाटा लेटेस्ट चैक कर लो पंजाब दे विच 16वें नंबर ते है पंजाब पर लैख ते पर कैपिटा ते अगर तुसी करोगे जिहड़ियां थोड़ी रूलिंग स्टेट्स है वह कितने उपर है उन्हां च क्राइम इहनू लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक अलग होंदी है क्राइम रेट एक अलग चीज होंदी है। तीसरी बोल के गए मेरे बहुत ही आदरणीय है भारती जी कहिंदे जी लोकतंत्र मैं इन्हों दसना चाह रहा कि जलंधर जीवनी चोन बड़े पीसफुली बड़े पीसफुल माहौल च लोगों ने अपनी मर्जी नाल वोटा पाइया हाँ तुहाडे उत्थे परिवारवाद नूं भी झटका लग्या कांग्रेस नूं ते तुहाडी जिहड़ी तुसी सोची बैठे सी कि जलंधर कांग्रेस की राजधानी बन चुकिया उहनूं भी झटका लग्या सी इत्थे ओह होया सी। अच्छा दूसरी चीज पंचायती चोणां की बड़ी गल्लां कर रहे हाई कोर्ट चों रिट्स रद्द होईआं इहदे उत्ते कदे चर्चा होएगी तां जरूर कर लांगे। हुण मैं एक चीज इन्हां नूं होर दसनी चाह रहा इस च मैं कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का वोट शेयर वध्या परंतु बीजेपी मैं जिथों तक समझदा शहरां दे विच वोट शेयर वध्या लेकिन पिंडां दे विच बीजेपी हले मेरे हिसाब नाल मुकाबले दे विच कुछ कमजोर है। हाँ चारों सीटां ते एक गल मैं जरूर कहूंगा वालिया जी चारों सीटां ते आम आदमी पार्टी मेहनती रह बहुत मजबूत है उन्हां चार सीटां ते इन्हां पार्टियां चों कौन मुकाबला देगी किथे किस हद तक वह ये वक्त दे गर्भ दे विच है जी लेकिन चारों सीटां ते आम आदमी पार्टी ठीक है पासी जी जिहड़ी गल चेतन मोहन जोशी कर रहे सी पहले दर्शकों तुहानूं कंट्राडिक्शन ना लगे मैं गल कीती सी विधानसभा दी विधानसभा च सिर्फ मीथिया जिते सी बाकी सीटा ते कांग्रेस जीती सी डेरा बाबा नानक तो सुजिंदर दावा चब्बेवाल तो राजकुमार चब्बेवाल ते जिहड़ा है इह जिहड़ा इस करके इन्हां ने गल जिहड़ी साडे नाल करती लोकसभा दी लोकसभा च बिलकुल इह ठीक कह रहे ने उत्थे दो दो हुईआं सी उहदे च कोई दो राव नहीं कहूंगे चब्बेवाल भी तो जितया सी ना उधरों ते मीथिया जित गया सी बाकी कांग्रेस लै गई सी जिन्हां दे चार सीटा ते आपां हुण चोण देख रहे हैं। शमशेर सिंह प्रखालवी साहब वालिया साहब तुसीं इह जिहड़ा टाइटल है दशा ते दिशा चोणां दी है ना सियासी दशा ते दिशा उहदे संबंध दे विच जिवें जोशी साहब ने भी इह नुक्ता उठाया सी कि इन्हां ने बड़ा प्रभाव दिता अपने आप नूं बड़ा निरपक्ष हो के कि जी जिहड़ियां इलैक्शन हैगियां पंचायती इलैक्शन हैगियां उह पार्टी सिंबल ते नहीं होणगियां ते इन्हां नूं पता सी कि इन्हां दी जिहड़ी हालत है बहुत पतली है लोकां ने जिस उत्साह दे नाल जिस हरशो उलास दे नाल इन्हां नूं 2022 दे विच सत्ता दे विच लैके आंदा सी लोक निराश हो गए इन्हां नूं पता सी इन्हां ने इस करके पार्टी सिंबल ते इलैक्शन नहीं करवाए हुण जिहड़े कैंडीडेट जित के आए उन्हां दे सरोपे पा पा के उन्हां नूं इस गल दा प्रभाव दिता जा रहा है कि तुहानूं असीं आउण वाले 2.5 साल दे विच ग्रांटां दे गफ्फे दे देंगे इस करके इन्हां ने उह ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਤਬਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਵਾਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਲਾ ਤੋਂ ਡਲਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਦਿਲੋਂ ਪੇ ਰਾਜ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਹਿਨੇ ਕੋ ਤੋ ਮੁਰਕੇਗੇ ਸਰ ਪੇ ਵੀ ਤਾਜ ਹੋਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਵੀ
फिर भी जहां जो खमियाजा जो भुगतना पैना वोट परसेंटेज घट नहीं है और जोकों ने डर के वोटा भी नहीं पा आना और इन्होंने वोटा सरदार शमशेर सिंह जी जी गल कह रहे हो ना यही तो असि कर रहे हैं तुम कहता लोगों ने डिसाइड कर लेना भी किने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया केड़ी पार्टी कांग्रेस ने अकालिया ने जा किसी पार्टी जाता पार्टी उत्ते कांग्रेस ने यह लोगों ने डिसाइड करना अपने हाथ का कुछ नहीं आ देख लिया जा असी मीडिया वाले का हाल हरियाणा देख के हटे लोग पता नहीं की सोची बैठे ने हुण पुरानी गलबात नहीं रही विनोद भारती जी आम तौर पर की होंगे भी जो जनरल इलेक्शन होंगे ना तो उत्थे पार्टी की इमेज ज्यादा मायने रखती है कैंडीडेट की भी इमेज मायने रखती है लेकिन उन्नी नहीं जिनी पार्टी की इमेज मायने रखती है लेकिन यह जो मिड टर्म पोल है इत्थे कैंडीडेट की भी जी स्थिति है कैंडीडेट की इमेज है कैंडीडेट का पुराना लोगों के नाल जो मेल जोल है वह बड़ा मायने रखता जिदा कि शर्मा जी ने मुला गुरदाखा की एक एग्जाम्पल दी तो इसलिए आलरेडी जो स्कोर है वह एक तीन का साढ़े को परिपक्व कैंडीडेट ने मैच्योर्ड कैंडीडेट ने जिन्हों मुकाबले उतारिया जा रहा है और अच्छी इमेज के मालक हो गए इसलिए लोगों पता है कि आम आदमी पार्टी ने पिछे की किया अगों की करन जा रही है और सेंटर विच बीजेपी वालों किन्ने एक नंबर बनाए गए है लोगों दी नज़रां वो सारा कुछ सामने आ जाएगा क्योंकि रीसेंटली जिहड़ियां सब तो बड़ी प्रॉब्लम है किसानों की फसल की लिफ्टिंग की 185 लाख टन चो सिर्फ 2,67,000 ही चक्या गया लिफ्टिंग हुई है उधर शैलर वाले भी रोंदे है उधर किसान भी तंग है तो मंडिया विच स्पेस भी नहीं मिल रहा तो यह सारी जी मैनेजमेंट है ये सारी लोगों के सामने है तो यह कई होर प्रॉब्लम्स ने जिदा मैं ला एंड आर्डर की रिपीट करनी थोड़ी गल आ गई आ जी तुम हम नवा नुकता रखे ना विनोद भारती जी ये दम है थोड़ी दलील हुण देखो सुरजिंदर रंधावा जिहड़े तुहाडे डिप्टी सीएम भी रहे ने पंजाब दे और कांग्रेस दे सीनियर लीडर ने और हुण तां नैशनल लैवल दे लीडर ने राजस्थान दे प्रभारी रहे ने ते ओह तुसीं देखो उहनां दी डेरा बाबा नानक तों जितदे ने ओह अपनी वाइफ लई जतेंद्र कौर लई तैयार कर रहे ने मेरा ख्याल टिकट मिल जाणी है जिहड़े कांग्रेस दे प्रधान ने राजा बड़िंग गिदड़वाहे तों अमृता बड़िंग इहदा मतलब इन्ना सौखा नहीं होएगा ये गल बिल्कुल सही है तुहाडी कि बड़े सख्त मुकाबले हो जा रहे ने ब्रीफ जी टिप्पणी चेतन मोहन जोशी जी तुहाडी देखो जे राजसी तुसी राजनीतिक दिशा की गल कर रहे हो ना सिलेक्शन दे विच जे इस इलेक्शन दे विच मान लो मौजूदा सरकार जित भी जाती है मेरी आवाज क्लियर आ रही तुहानू जी कि घट आ रही है हाँ जी जोशी जी मेरा ख्याल है चुप हाँ शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम आवाज आ रही मेरी आवाज आ रही है आवाज आवाज आ रही मेरी हाँ जी करो गल हाँ जी देखो जो तुसी राजनीतिक दशा की गल करते पे हो ना इस मौके दे उत्ते सब तो बड़ा असर यह पैंदा वा कि श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की वोट कि निकलती है दैट इज वेरी इंपोर्टेंट चाहे जिते कांग्रेस चाहे जिते आम आदमी पार्टी पहले दूजे नंबर ते भी आ जान लेकिन कांग्रेस तो वोट किनी पैंदी आ ये बहुत वड्डा असर पाएगी लोकां दी सोच दे उते भारतीय जनता पार्टी की किन्नी वोट वध निकलदी आ ये भी एक दिशा तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की आने वाले 2027 दे विच स्थिति की होएगी और श्रोमणी अकाली दल की भी और जिस तरह बरनाले तो या गिदड़वाहे तो साढ़े तकरीबन दो कैंडीडेट का लड़ना तय वा और उन्हों दोनों का एक राजनीतिक अक्स बहुत वड्डा वा जेकर उत्थे जे गल करिए कि जिहड़ी पार्टी हैगी आ पार्टी का भी अक्स हैगा लोगों के विच मकबूलीयत किन्नी होंदी है वो जो मकबूलीयत है ना
ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ 2024 ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੱਖ ਥੋੜੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਫੌਜੀ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੱਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੱਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੇਤਨ ਮੋਹਨ ਜੋਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੜੇ ਨਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਮਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਊਟਕਮ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਨੰਬਰ ਵਨ। ਨੰਬਰ ਟੂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਫਾੜਤੀਆਂ ਉਹ ਫਾੜਤੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਫਾੜੀਆਂ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਊਗੀ? ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਟਰੈਰੀ ਟੂ ਅਰਲੀਅਰ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਊਟਕਮ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਰਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਜੂਅਲੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਇਕਦਮ ਕੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਫੜਕਰ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਡੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਚੁੱਕਣ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੀਮੈਚਿਓਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਬੇਟ। ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਚ ਇਹ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ 4 ਜਿੰਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਲੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲਗਾਣੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਧਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਟ ਦੇਤਾ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਤਾ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ, ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ,
एडवोकेट बिक्रमजीत सिंह पासी साहब, शमशेर सिंह पुरखालवी जी, विनोद भारती जी, चेतन मोहन जोशी, तुहाडा सब का बहुत बहुत धन्यवाद। तुसीं आए अपने जिहड़े विचार ने सारे दर्शकों के सामने रखे, और प्यारे दर्शकों तुहाडा वी धन्यवाद। कल सवेरे 8:40 खबर ते नजर रजिंद्र मालिया शो च मिलदे आ। बहुत बहुत शुक्रिया। For all your immigration family law needs, call or scan QR code to contact us. Rodis Inc. Million Miles with Smile, or scan QR code to contact us. Flankbird Truck Repair, trust we build in truck repair, or scan QR code to contact us. The Masala Twist Oxnard Fine Authentic Indian Cuisine, or scan QR code to contact us. Pizza Twist Taste with Twist, order today, call or visit website, or scan QR code to contact us. New India Market, or scan QR code to contact us. Taba Indian Cuisine, Tracy Fine Authentic Indian Cuisine in Tracy, or scan QR code to contact us. Bila Market, scan QR code to contact us. Simi Valley Family Dental Office, or scan QR code to contact us. Samra produce largest variety of Indian vegetables and fruits in the USA. Scan this QR code to contact us. Mountain Mike Pizza, scan this QR code to contact us. Appa Kadahi made and served with love. Scan this QR code to contact us. Krishan Kumar Covered California Certified Agency Manager who can help you, your family and your small business with health insurance. Call at 1-877-830-3270 or scan QR code to call or text.